अहिवारा तहसील के ग्राम गिरहोला में हो रहे मुरम उत्खनन परिवहन को लेकर ग्रामीणों ने जन दर्शन पहुँच कर इस पर रोक लगाने की गुहार लगाई। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि पंचायत सरपंच एवं खनिज अधिकारी की साठगांठ से अवैध मुरम उत्खनन एवं परिवहन की अनुमति दी गई है। ग्राम पंचायत गिरहोला के तहसील अहिवारा में ग्राम पंचायत सरपंच एवं खनिज अधिकारी की साठगांठ से अवैध मुरम उत्खनन एवं परिवहन की अनुमति दिए जाने का आरोप लगाते हुए दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचकर ग्रामीणों ने जनदर्शन में शिकायत दर्ज कराई और ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने गिरहोला में हो रहे अवैध मुरम उत्खनन परिवहन पर रोक लगाने की मांग की। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि गिरहोला में बरसी में कई बड़े तालाब निर्माण हो चुके हैं, इसके बावजूद मुरम उत्खनन के बहाने तालाब बनाने के नाम से ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा गलत प्रस्ताव देकर समतल भूमि को अवैध मुरम उत्खनन एवं परिवहन कराया जा रहा है। साथ ही वर्तमान में हिंदू रीति रिवाज के तहत पितृपक्ष चल रहा है, इस पितृपक्ष दिन में शमशान घाट में अवैध मुरम उत्खनन एवं परिवहन कर शांत माहौल को अशांत किया जा रहा है। इस संबंध में उन्होंने और खनिज अधिकारी ने क्या कहा, आप भी सुनिए। हम आए हैं मुरम खदान ला रोक लगाए, अवैध रूप से खनन कर तोड़ा का मशान वो हो रहा है, मशानगंज है ना अपना गिरहोला ग्राम गिरहोला में उसको खोदा, उसमें क्या कंकाल भी पाया गया है और बगल में तालाब रहने के बाद भी तालाब स्वीकृति करा के उसको खुदाई कर रहे हो। सरपंच और माइनिंग विभाग के जरिए सरपंच और माइनिंग ऑफिसर भी आया था, उन लोग तालाब के लिए बोल रहा था तालाब खुदाएगा ऐसे करके, हम लोग गए थे और कुछ नहीं तालाब के लिए बस है और कुछ नहीं होगा उसके बाद बोला और उस और क्या रॉयल्टी मांगे तो रॉयल्टी भी नहीं दी हम लोग। मेरा नाम शशि बघेल है, मैं ग्राम गिरहोला से आया हूँ। गिरहोला में अवैध मुरम खनन हो रहा है, हम लोग उसी के समस्या के लिए आए थे और साहब लोग भी आए थे, तो उन लोग जो खनन करवा रहे पंचायत द्वारा उन लोगों का पूरा साठगांठ है, उन लोग बोल रहे हैं तालाब गहरीकरण होगा करके और उसमें तालाब गहरीकरण मतलब ज्यादा ही हो रहा है। सरपंच से शिकायत के सरपंच तो कुछ नहीं बोल रही है, मैं क्या करूं बोलती है, इन लोग का सब लोग का मिली भगत है ना सर। कलेक्टर महोदय ने कहा हम खनिज अधिकारी से बात कर रहे हैं, रोक लगाएंगे करके बोले हैं, अगर रोक नहीं लगेगा तो हम लोग भारी मात्रा में जाके वहां पे बंद करवाएंगे या फिर चक्का जाम करवाएंगे वहीं पे। गिरहोला ग्राम पंचायत में ये मुरम के परिवहन अनुज्ञा हेतु आवेदन प्राप्त हुआ था, जिसमें हमने 3 माह के लिए परिवहन अनुज्ञा दिया गया है एवं अभी उसको एडवांस रॉयल्टी भी जमा की गई उसके द्वारा और परिवहन पार पत्र भी दिया गया है। जो शमशान घाट के पीछे साइड में तालाब बना है और ग्राम पंचायत के अंतर्गत ही वो तालाब आता है, एक बार चूंकि शिकायत आपके द्वारा प्राप्त हुई है, मैं जांच करवा लेता हूँ, शिकायत यदि सही पाई जाएगी तो हम कार्रवाई करेंगे। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।